अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसी है आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊँगी कि लीमू को सेव कैसे की। आजकल लीमू का मौसम है और लीमू सस्ते भी मिल रहे हैं। गर्मियाँ जैसे ही शुरू हो जाएंगी तो लीमू बहुत ज़्यादा महंगा होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे पास ये तकरीबन 2 किलो लीमू आए थे गाँव से, तो मैंने क्या किया कि इनको सोचा कि इनको सेव कर दें, आगे रमज़ान भी आ रहा है तो शिकंजी बनाने के काम आएगा। तो मैंने क्या किया, 2 किलो लीमू थे मेरे पास, तो मैंने उनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब ये देखें, मैंने उनको कट कर लिया है ये 2 हिस्सों में। देखें, मैंने लीमू को 2 हिस्सों में काट लिया है। और उसके बाद क्या करेंगे कि इन सारे लीमू का जूस निकाल लेंगे जी। तो ये देखें, ये सारे लेमन जो हैं मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिए हैं। अब उसके बाद आप देखिएगा, मैं इसका जूस निकालती हूँ। तो जूस निकालने के बाद हमने क्या करना है, हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो ये मेरे पास है सोडियम बेंजवेट, ये हर पिंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। और उसके साथ दूसरा हमें चाहिए लेमन या ऑरेंज कलर का फूड कलर। ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास जो हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, एक लेमन है, दूसरा है सोडियम बेंजवेट और तीसरा है फूड कलर जी। तो ये देखिए, मैंने सारा लेमन जूस निकाल लिया है और ये आपको नजर आ रही होंगी इसके छिलके। तो हमने इन छिलकों को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, हमने इनको संभाल के रखना है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि इनका आपने क्या करना है। हम इनको थोड़ा सा ड्राई करेंगे और इसमें अचार डालेंगे। और अब हमने क्या करना है, ये देखिए आपको सोडियम बेंजवेट नजर आ रहा है और साथ ही फूड कलर नजर आ रहा होगा। अब हमने इसका क्या करना है, 1/4 हिस्सा हमने इसका डालना है स्पून में। ये आप देखिए मैंने कितना डाला है, ये आपको नजर आ रहा होगा एक स्पून में मैंने कितना। ये इसको भी थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। ये देखें जी, ये सिर्फ आपने इतना इसमें डालना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हमने इसमें थोड़ा सा 1 पिंच से भी कम हमने फूड कलर डालना है। देखिएगा इसका, अगर ये कंपल्सरी नहीं है, सिर्फ जस्ट मैं इस वजह से डाल रही हूँ कि इसका जरा खूबसूरत सा कलर निकल आए, लेमन जैसा, येलो लेमन जैसे होते हैं तो उस तरह से इसका ये कलर निकल आए। और ये आप देख रही होंगे कि ये कितना खूबसूरत कलर हो गया है। अगर आप डालना चाहते हैं तो जरूर डालें, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ये कंपलसरी नहीं है। अब आपने क्या करना है, इसको कर देना है बंद, कंटेनर को आपने बंद कर देना है, बॉक्स को। और उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दें, आपने इसको फ्रिज में रख देना है। ये आपका जो है लेमन जूस 2 साल तक कहीं नहीं जाएगा। हमने इसको अच्छी तरह से प्रिजर्व कर लिया है। आप इसकी शिकंजबीन बनाएं, आप इसको सलन में डालें, आप इसका जो दिल चाहे जाएं, ये खराब नहीं होगा जी। तो आसमा मंसूर को दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। ओहो ओहो, जाने से पहले एक जरूरी काम तो आपने छोड़ ही दिया है, वो क्या, मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।